अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अबरीन एकेडमी में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बेसिक मैथ्स, जिससे 5वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चे जो है तो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है तकसीम का अमल, उसमें सब पॉइंट है दो से तकसीम। तो ऐसे कौन से अदद है जिनको दो से तकसीम होता है? तो जो अदद दो से तकसीम होता है उन अदद को हम जुफ्त अदद कहते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं। अब ऐसे अदद जिनको दो से तकसीम होता है, तो जिन अदद के का आखिरी हिस्सा या फिर इकाई के मकाम पर 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी अदद हो इकाई के मकाम पर, तो उस अदद को दो से तकसीम होता है। मिसाल के तौर पर 16 है, क्या 16 को दो से तकसीम जाता है या नहीं, इसको हम लोग अगर चेक करेंगे तो हमें ये देखना है कि 16 के इकाई के मकाम पर कौन सा अदद है। 16 के इकाई के मकाम पर या 16 का आखिरी हिस्सा जो है तो वो कौन है? 6 है। अब 0, 2, 4, 6 या 8 इसमें से 6 आता है, इसका मतलब 16 को दो से आसानी से तकसीम हो सकता है। इसी तरह दूसरी मिसाल, 25,014 को दो से तकसीम होगा क्या? ये चेक करने के लिए हमको क्या ढूंढना पड़ेगा कि 25,014 के इकाई के मकाम पर या फिर 25,014 का आखिरी हिस्सा क्या है। वो आखिरी हिस्सा हमें चेक करना होगा, काय में से चेक करना होगा, 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से वो हिस्सा अगर है तो वो अदद को दो से तकसीम जाएगा। अब देखिए, 25,014 के इकाई के मकाम पर 4 है, इसका मतलब 25,014 को दो से आसानी से तकसीम हो सकता है। इसी तरह अगली अदद है 5 से तकसीम। अगर किसी अदद का आखिरी हिस्सा 0 या 5 है, आखिरी हिस्सा मतलब इकाई का मकाम पर 0 या 5 है, तो उस अदद को क्या होगा? 5 से आसानी से तकसीम हो सकता है। मिसाल के तौर पर 35 है, 35 का आखिरी हिस्सा क्या है? 5 है। हमारी तारीफ़ के हिसाब से क्या है, 5 से कौन सी अदद को तकसीम जाता है? कि जिसका आखिरी हिस्सा या जिसके इकाई के मकाम पर 0 या 5 है। अब 35 के इकाई के मकाम पर 5 है, 35 के इकाई के मकाम पर 5 है, इसका मतलब 5 से 35 को आसानी से तकसीम जाएगा। अगर हम तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 7। बिल्कुल इसी तरह दूसरी मिसाल से हम लोग समझते हैं, 1,26,371 इस अदद को 5 से तकसीम जाता है या नहीं। फिर वही चीज़ हम देखेंगे, इकाई के मकाम पर कौन सा अदद है, 0 या 5 है तो उसको 5 से तो आसानी से तकसीम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इकाई के मकाम पर क्या है? 1 है, इसका मतलब इस अदद को 5 से तकसीम नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह अगली अदद है 10 से तकसीम। अगर किसी अदद का आखिरी हिस्सा 0 हो तो इसे 10 से तकसीम होगा। मिसाल के तौर पर 40 है, 40 का आखिरी हिस्सा या फिर 40 का इकाई का मकाम पर क्या है? 0 है, तो 40 को 10 से आसानी से तकसीम हो जाएगा। लेकिन दूसरी मिसाल अगर आप लोग देखेंगे कि 563 को 10 से तकसीम जाता है या नहीं। 10 से तकसीम जाने के लिए हमने कंडीशन क्या देखी है कि इकाई के मकाम पर क्या चाहिए? 0 चाहिए, लेकिन यहाँ पर इकाई के मकाम पर हमको क्या नज़र आ रहा है? 3 नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 563 को 10 से तकसीम नहीं हो सकता। इस तरह आप लोगों को कुछ मिसालें हल करने के लिए दी जा रही है, इससे आप लोग हल करके समझ सकते हैं। इसको आपको हल नहीं करना है, आपको बस इकाई के मकाम वाले हिस्से कौन से है वो देखना है और उसके हिसाब से इसकी प्रैक्टिस अपने घर पर करनी है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।